हाँ जी, कैसे हो आप सब? तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर, थोड़ी सी लिमका से, थोड़ी सी फ्रूटी से, और थोड़े से ये बिस्किट्स हैं, चॉकलेट बिस्किट्स। आपको पता है मैं चॉकलेट बिस्किट्स काफ़ी पसंद करके खाती हूँ, और ये फ्रूटी ना मैं कभी कभी पी लेती हूँ। वैसे नॉर्मली विहान के लिए खरीद लेते हैं, क्योंकि ये लिमका वगैरह हम नहीं पिलाते विहान को, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पिलाते हैं इसमें, बस ये नॉर्मल सी होती है ना ये फ्रूटी, ये विहान पी लेता है कई बार, जैसे फ्रिज में रख लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं भाई के साथ आई हुई थी, यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़ें खरीदी थी, मेरे भाई ने ही खरीदी थी, मैंने तो नहीं ली थी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक फ्रूटी, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी कार में बैठी हुई, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने क्या किया, फ्रूटी खोल ली, और मैं भी थोड़ी सी एक आधी सिप पिए जा रही थी, और विहान बाबू को भी पिला रही थी। वो पी लेता है, उसको इतना तो आता है, ये पी मतलब पी लेता है पाइप से भी ना, जैसे फ्रूटी हो कुछ हो तो अपना पी लेता है। और यहाँ पे ना पापा जी के टेस्टिंग करने के लिए आए हुए थे, पापा जी का डेंगू और मलेरिया का टेस्ट करवाया, जिसका रिजल्ट शायद कल मिल जी, जाएगा। मैं जा रही हूँ यहाँ से अभी लॉक लगा के मार्केट, क्योंकि मुझे लेकर आना है पेंट। और चलो आप मेरे साथ चलिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं कौन से कलर का पेंट लाने वाली हूँ, सरप्राइज है। 20 मिनट पैदल पैदल चलकर मैं आ गई हूँ रोड पर, और ऑटो के लिए इंतज़ार चल रहा है। अब 15 मिनट हो गए हैं मुझे रोड पे खड़े हुए, अभी तक कोई ऑटो नहीं आया है। कल से ना मैं साइकिल अपनी देखती हूँ, उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो ठीक करवा के, अगर मुझे काम हुआ मार्केट का, मैं अपनी साइकिल ही निकाल लिया करूँगी। सच में मतलब कितनी देर और खड़ी रहूँ मैं, बहुत देर हो गई है, थक गई मैं, बोर होने लग गई हूँ अब तो यहाँ खड़े खड़े। आखिरकार मुझे ऑटो मिल गया। सामने आपको शॉप दिख रही है पेंट की, मुझे तो दिख रही है, और पसंद करते हैं कुछ अच्छा सा पेंट। दिवाली का सीज़न चल रहा है ना, तो पेंटर्स मिलना भी कोई आसान काम नहीं है अभी, हर कोई पहले से ही काम मिल रहा है सबको, क्योंकि हर कोई दिवाली के टाइम अपने घरों को पेंट करवाता है, तो दूसरे दुकान पे ढूंढते हैं शायद वहाँ मिल जाए। पर इतने हम पहले टाइल्स देख के आते हैं कि कैसी कैसी टाइल्स चल रही है। मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टाइम, मैं आपको टाइल्स दिखाऊंगी ना, मतलब आप ही बताइएगा कैसी टाइल्स हैं। मींस मेरे को ना पता है, जैसे जो मेरा घर है उसका जो फ्रंट है वहाँ के लिए भी टाइल्स चाहिए, और बैक के लिए भी टाइल्स चाहिए, और मुझे करीबन 4 या 5 टाइप की टाइल्स चाहिए, क्योंकि मुझे देखो दीवार के लिए अलग तरीके की टाइल्स होती हैं और फर्श के लिए अलग होती है। तो ये वाली अभी ना एक्चुअली इस टाइम भैया ना किसी और पार्टी के साथ बिजी थे, मतलब कोई और बंदे को अटेंड कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर अकेली खड़ी बस थोड़ा सा मैं शूट ले रही थी। मेरे को लगा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आप बोलोगे आपने हमसे तो पूछा नहीं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए किस तरीके की टाइल्स थी यहाँ पर। ये सारी दीवार के ऊपर लगने वाली टाइल्स हैं, और इनके प्राइस अलग अलग होते हैं, कुछ होता है जैसे 32 रुपये की थोड़ा, या कोई 25 की, कोई 28 की, ये रेट होता है। तो लगते हैं जितना हिसाब से जैसे आपका मेजरमेंट होती है उस हिसाब से आपके पैसे लगते हैं। तो मेरे को ये लगा कि देखो बार बार हम पीछे का जो स्टोर रूम है ना वो बहुत सुंदर बन जाएगा अगर हम उसमें सुंदर सी टाइल्स वगैरह का काम करवा देंगे ना। तो ये देखिए अलग अलग तरीके की थी यहाँ पे, मैं वैसे ही एक बार नज़र मार ली थी ऊपर ऊपर से, मेरे को लगा चलो एक बार मैं भी देख लेती हूँ, और ये वाली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसमें कुछ हड़प्पा संस्कृति टाइप थी ना, कुछ मतलब कुछ एंटीक टाइप का लुक आ रहा था, और ये वाली भी अच्छी लग रही थी मुझे। ये आजकल जो चल रही है ना ये ब्राउन में, वो जिसमें वॉल की दीवार लगती है कि ये दीवार हो, तो इस तरीके के कुछ डिजाइन्स थे जो कि काफी सुंदर थे। बस देख रहे थे, मैंने एक बार सोचा चलो नजर तो हम दे मार लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया तो हो जाए यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे टॉयलेट्रीज का सामान भी मिल रहा था, पर उसकी मेरे को जरूरत नहीं थी, मुझे नहीं लेना था, तो मैं बिल्कुल देख भी नहीं रही थी। और यहाँ पे कुछ कलरफुल टाइल्स भी होती है, ये ना बड़े घरों के लिए होती है, जिनके घर बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, वो जैसे अपने रूम में डेकोरेशन के लिए पेंटिंग्स की जगह ये इस टाइप की कुछ टाइल्स लगवा सकते हैं। ये भी काफी प्रीटी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, और
शाम का टाइम था, अकेली आई थी यहाँ पे और थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कुछ ऐसा ना हो कि अभी मैं चूज़ कर लूँ टाइल्स और वो पसंद ना आए घर वालों को, बाद में वो बोले कि कलर्स अच्छा नहीं है, ये वाला पसंद नहीं आ रखा। तो इसीलिए मैंने ना पता क्या किया, मैंने वीडियो कॉल करवा दिया था। मतलब मैंने जो टाइल्स चूज़ करी हैं वो मैंने मेरे भाई की पसंद से चूज़ करी हैं। मतलब मेरे मन में था कि हाँ मुझे ये लेना है, लेकिन मैंने फिर भी मेरे भाई को जैसे दिखा दी, मैंने 5-6 टाइल्स दिखाई जो मतलब सिलेक्ट कर ली थी पहले 5-6, तो उनमें से मैंने कहा कि ना देख इन 5-6 ये 6 टाइल्स है, इनमें से पसंद करके बता दे कि तेरे को कौन सी पसंद आ रही है। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी और मुझे पानी पीना था, तो मैंने भैया से पानी की डिमांड करी थी। और अब आपको मैं ढंग से दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे ना भैया को कह दिया था, मैंने शायद रेट वाइज आई थिंक, अब मुझे अच्छे से प्राइस याद तो नहीं आ रहा, पर जो सबसे बीच का रेट था, एक तो होता है बहुत ही कम और एक होता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो मिड वाला जो रेट था, मैंने भैया को बोला कि भैया आप मुझे वो उनमें दिखा दो। उन्होंने मेरे को 7-8 टाइल्स दिखाई थी उस रेट में और मैंने कहा था मैं इनमें से पसंद कर लूँगी, तो एक तो ये वाली थी, ये हड़प्पा संस्कृति वाली, और ये वाला ना मेरा मन तो था लेने का, लेकिन मुझे ना ये थोड़ा सा होता नहीं, कई बार हम एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं, कर लेना चाहिए वैसे एक्सपेरिमेंट, लेकिन मुझे लगा कि नहीं कुछ कहीं ज़्यादा अच्छी ना लगे। तो ये सेकंड नंबर वाली थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, ये स्टोर रूम में मेरे को लग रहा था कि बहुत अच्छी लगेगी। आप भी बताइए अगर ये वाली मैं स्टोर रूम में लगवा लूँगी तो कैसी लगेगी, मेरे को तो बहुत क्यूट सी और बढ़िया लग रही थी, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे ना ध्यान से, इस स्टाइल्स के अंदर काफ़ी सारे शेड्स आ रहे हैं, देखो ब्राउन भी आ रहा है, ग्रे शेड भी आ रहा है, और ये वाली पता नहीं कैसी लगेगी। और इस टाइप की जो थी ये वाली मैंने नहीं लगवाई, क्योंकि ये वाली ना जैसे बाथरूम में अच्छी लगती है, तो मेरे को लगा नहीं ये वाली उस टाइप की नहीं है कि हम स्टोर रूम में लगवाएं, तो मैंने ये वाली भी पसंद नहीं करी थी। तो यहाँ पे ना मैंने अपने भाई को वीडियो कॉल करवा लिया था और उसको फाइनली दिखा रही थी एक एक टाइल्स। मैंने कहा भाई देख पसंद कर, तू ही बता दे कौन सी लगवाऊँ, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा अपनी चॉइस पर भरोसा नहीं हो रखा था, मेरे को ना डर लगता है इस तरीके का, अकेले पसंद नहीं किया जाता मुझसे, मेरे को कोई ना कोई चाहिए, किसी से पूछ लूँ, चाहे तो मेरे पापा जी से मैं पूछती, लेकिन पापा जी की तबीयत खराब थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सारी अच्छे से मैंने वीडियो कॉल पे मेरे भाई को दिखाया। और मैं अब आपको बताती हूँ मेरे भाई ने पसंद करी है सारी टाइल्स, तो कौन सी पसंद करी है तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये स्टोर रूम के लिए पसंद करी है, ये वाली जो टाइल अभी आपको मेरे को दिखा रही हूँ ना मैं, ये वाली, हाँ तो ये वाली नहीं पसंद करी है, जो ब्राउन वाली है मेरे भाई ने मना कर दी, बोलते नहीं ये वाली अच्छी नहीं लग रही, ये वाली अच्छी लग रही है। तो हमने चलो फिर अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैं इस टाइल के पीछे खड़ी होकर मैं देख रही थी कि कल को जैसे मान लो मैं वीडियो बनाया करूंगी और पीछे ये बैकग्राउंड आएगा तो कैसा लगेगा, तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर भी चलो दिखा देती हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके का देख लीजिए बैकग्राउंड आया करेगा अगर मैं यहाँ बैठा करूंगी आने वाली मेरी वीडियोज में, तो अच्छा लग रहा था ना ये वाली टाइल। तो चलिए स्टोर रूम का दीवारों की जो टाइल्स थी वो तो हमारी पक्की हो गई, लेकिन अभी हमें दीवारों के अलावा नीचे ज़मीन के लिए भी तो पसंद करनी है ना, पीछे स्टोर रूम में ज़मीन पे कौन सी लगेगी। तो मैंने भैया को कहा अब मुझे जो है फ्लोर के लिए टाइल्स दिखा दो, तो मुझे ये ब्राउन कलर की भैया ने दिखाई थी और मुझे यही पसंद आ गई थी। कई बार होती है ना कोई चीज़ हमें देखते ही पसंद आ जाती है, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, भैया ने ये जो आपको सामने दिख रही है ये टाइल्स भी दिखाई थी। ये थोड़ी पतली वाली टाइल्स होती है, इसका भी मैं रीज़न बताती हूँ कि ये पतली क्यों होती है। और जो पार्किंग की जो टाइल्स होती है, मेरा कहने का मतलब ये है, वो अलग होती है, वो बहुत ही हैवी होती है क्योंकि वहाँ बाइक वगैरह खड़ी करनी होती है। तो ये 4-5 टाइल्स मुझे दिखाई थी, तो अब मैं यहाँ पे बार बार जा रही थी और मैं जो स्टोर रूम की टाइल थी उसमें कलर देख रही थी, क्योंकि इसमें देखो ब्राउन शेड आ रहा है, तो फ्लोर में भी अगर ब्राउन शेड होगा तो वो अच्छा लगेगा। तो मैंने ये लकड़ी की तरीके से दिखती है पर ये लकड़ी की नहीं है, ये टाइल ये एक्चुअल में टाइल होती है पर ये दिखती ऐसी है कि लकड़ी का काम करवा रखा हो। और ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये वाली मैंने पसंद की है अपने घर के फ्रंट के फ्लोर के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, भैया ने 4-5 दिखाई थी अलग अलग तरीके की और मैंने मेरे भाई से ही पसंद करवाई थी। तो ये थी देखिए, एक तो ये थी, इसमें कुछ ब्राउन शेड्स आ रहा था। और इन टाइल्स की मैं बात कर रही थी, जो फ्रंट में जो टाइल लगेगी वो थोड़ी महंगी वाली है, क्योंकि उस पर कई बार बाई चांस मान लो हमने कभी स्कूटर बाइक वगैरह खड़ी करी तो ये टूट फूट नहीं होगी, ये बहुत मजबूत है। तो ये वाली भी दिखाई थी, तो मेरे भाई ने ये वाली भी मना कर दिया था, उसने बोला था कि ब्राउन शेड मत लियो आगे फ्रंट वाली में,
कुछ ग्रे शेड में देख ली हो, तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ कुछ। ये वाली टाइल्स भी फ्रंट के लिए भैया ने दिखाई थी और मैंने देखी है। मैं सारी जो भी टाइल्स है मैंने एक एक चीज़ की अच्छे से रिकॉर्डिंग इसीलिए ली थी ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने क्या पसंद किया है। और हमारे घर में मतलब अब आप इमेजिन कर सकते हो ना कि मैं घर पर कितना पैसा भी लगा रही हूँ, कितना काम भी करवा रही हूँ। पैसा तो मतलब मैं सोच रही हूँ, पापा जी भी बोल रहे हैं चलो कोई बात नहीं, अपने घर पर तो लगाया जाता है पैसा। तो ये देखिए, ये वाली मैंने डन कर दी है। और ये वाली जो दीवार है ये मैंने आगे के लिए पसंद करी है। ये भी मैंने मेरे भाई को दिखाई थी तो उसको पसंद आ रहा था। तो एक ग्रे शेड की जो दीवार जो पीछे लगी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये हमारे घर की जो फ्रंट में जो दीवार है ना वहाँ पे टाइल्स लगवा देंगे पूरे के अंदर से, तो ये वाली लुक आएगी कुछ इस तरीके से। तो आपको मैंने काफ़ी सारी अच्छी टाइल्स दिखा दी हैं। और ये वाली जो है ज़मीन पर लगेगी टाइल्स, तो मैंने वो भी दिखा दी है आपको। तो आप बताइएगा ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में कि कैसी पसंद करी है जो टाइल वर्क है। तो आप भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए ना मेरे घर को देख के लिए कि टाइल वर्क होने के बाद। मतलब ठीक है, मानती हूँ कि घर सस्ता है, छोटा सा है, लेकिन अगर हम उस पर थोड़ा सा खर्चा करके अगर उसे बहुत सुंदर बना सकते हैं तो कोशिश तो करनी चाहिए ना हमें। तो इस बार मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ। देखो मैंने पहले कहा था कि यूं ही हम रहने चले जाएंगे तो आप सबसे मुझे इतनी डांट पड़ रही थी, आप सब कह रहे थे कि आप हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते हो। तो देखिए आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। आप मुझे जो बात बोलते हो वो मैं करती हूँ। तो आपने कहा था घर को अच्छे से तैयार करके हमें सुंदर सा बना के दिखाइए, तो मैं जरूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने डन कर दी थी और 3,000 रुपये मैंने भैया को दे दिए थे, अभी सारे पैसे नहीं दिए। मेरे हिसाब से करीबन 30,000 से 35,000 रुपये का टाइल्स का खर्चा आएगा। बाकी मैं कुछ अभी नहीं बता सकती हूँ, भैया मेरा बिल बनाएंगे तब मैं अच्छे से आपको बता दूंगी, क्योंकि मेजरमेंट होएंगी पहले। तो जो भैया अभी जो काम करने लग रहे हैं, मेरा जो पीछे स्टोर रूम बनाने लग रहे हैं ना, तो वो भैया आके पूरी प्रॉपर मेजरमेंट लेके मुझे दे देंगे कागज़ पे लिख के, और मैं यहाँ पे जाके फिर करवा दूंगी काम। और एक चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है, जो भी सामान मैं खरीद रही हूँ टाइल्स वगैरह उसकी होम डिलीवरी ये करवा रहे हैं, बस मुझे ऑटो के पैसे देने पड़ेंगे। 200 रुपये में बात हुई है। और यहाँ पर मैंने ऑटो लेने के बाद मैंने आगे बस ले ली थी, क्योंकि आपको भी पता है हमारे यहाँ पर दो दो तीन तीन व्हीकल चेंज करना पड़ता है तब जाके घर में पहुँच हैं। तो मुझे सही में इतने टाइम बाद पापा जी बोलते थे कि ना निधि तू बस में आ जाया कर, यहाँ पे सही बस मिल जाती है। तो करीबन थोड़ा लेट हो गया था, आप भी देख सकते हो, क्योंकि मैं शाम को ही निकली थी घर से। तो हमारा घर थोड़ा आउटर में पड़ता है, तो थोड़ा सा मतलब मार्केट, या तो आप बिल्कुल सुबह सुबह निकलो 10-11 बजे, तब तो आप टाइम से आ सकते हो। पर अगर आप शाम को 5 बजे निकलोगे बाजार जाने के लिए तो आपको कम से कम 8 तो बज ही जाएंगे घर वापस आते आते भी। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है मैं टाइम से निकलूँ, टाइम से घर आऊँ, लेकिन फिर भी अभी जो काम का जो प्रेशर है, इतना सारा काम है करना है, तो फिर इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग हो जाती है ऐसे। तो यहाँ पे मैंने भैया को 20 रुपये दे दिए थे बस वाले भैया को। और ये देखिए मेरे पीछे कितनी सारी सवारी है ना हमारी लोकेलिटी की, जो यहाँ पर यहाँ यही आना जाना हो रखा था। तो आप देख सकते हो आगे भी ये हमारे लोकेलिटी में पूरी लाइटनिंग है, लाइट का सिस्टम है, और अंदर सिक्योरिटी तो मैंने आपको दिखाई रखी है। तो मुझे पता है आप बहुत एक्साइटेड हो ना, सिर्फ एक हफ्ता, अगले एक हफ्ते में सारा काम डन करवा के आपको बहुत ही सुंदर घर में आप सबके सामने मैं अपना लेकर आने वाली हूँ। जी आपको टाइल्स में कौन सा डिजाइन पसंद आया, कौन सा कलर पसंद आया, और कैसा लग रहा है आपको? मतलब जो भी मैं काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, घर सुंदर बनाना है, अच्छा लगना चाहिए कि विहान को भी पक्का फर्श मिलेगा अच्छा। और टाइल्स मैंने ऐसी पसंद करी है, इतनी ज्यादा चिकनी नहीं है, कहीं आप सोचो ना कि बच्चा फिसलेगा, तो ऐसी नहीं है, बहुत सुंदर टाइल्स का काम है। बस मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, भगवान की दया से मेरा ये सारा काम सही से अच्छे से निपट जाए, बस अगले 6 दिन में मेरा सारा काम हो जाएगा और मैं फिर फाइनल लुक लेकर आऊंगी आप सबके सामने, मैं घर दिखाऊंगी मेरा घर कैसा बना है, तैयार हुआ है। तो चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, सब में शेयर भी कर दीजिएगा मेरा चैनल। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, अपना खुश रहिए।